और बापू ने जो अर्धखान महल में 21 दिन के उपवास किए, जिसका तब मैंने उल्लेख किया था, उसका प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों ने यह प्रचार किया था कि गांधी के प्रचार की वजह से देश भर में हिंसा फैली है। और गांधी कहते थे कि मुझे आपके इस आरोप का, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए और मेरे पत्र को भी आप छाप दीजिए। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आपके पत्र में हम जो चीज पसंद करेंगे उतनी छापेंगे, आपके पत्र पूरे छापेंगे नहीं। यानी हमें, मैं हिंसा कभी स्वीकार नहीं करता हूँ, ऐसा अगर गांधी कहेंगे तो उतना छाप देंगे, लेकिन उस हिंसा का कारण आपने दिया है ये गांधी कहेंगे तो वो नहीं छापेंगे। तो जब उनकी आवाज सुनाई नहीं दी जाती थी, तब उन्होंने कहा कि अब मेरे पास हृदय के चित्कार को प्रकट करने का एकमात्र साधन रह गया है, अनशन का। इसलिए मैं अनशन करता हूं। विवाद का मुद्दा यह था कि आंदोलन आपने शुरू किया या आपने शुरू किया। अगस्त महीने में इनकी गिरफ्तारी के बाद देशभर में आंदोलन हुआ। जून महीने से ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स पे जो कागज हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि लंदन और बंबई और दिल्ली के बीच में इस विषय की चर्चा खूब जोरों से चल रही थी कि अब की बार गांधी को अगर गिरफ्तार करेंगे तो उनको इस देश की जेल में रखेंगे या किसी विदेश में भेजने के लिए। जून महीने से यह चर्चा चली थी। दूसरे देश की जेल की पसंदगी भी हुई थी, एक एक कैदी के पीछे कितना खर्च होगा उसका बजट भी उन लोगों ने भेजा था। और आखिरी सप्ताह में, अगस्त महीने के पहले सप्ताह में यह निर्णय हुआ, जब बंबई के गवर्नर ने कहा कि सारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को एक जगह, यानी अहमदनगर जेल में या किले में, और गांधी को आगरा खान पैलेस में, हम लोगों से बिल्कुल अनजान इसी जगह पर रख सकेंगे, ये विश्वास दिलाया। उसके बाद गांधी को देश से बाहर भेजने का विचार छोड़ा गया। उससे पहले ये योजना हो चुकी थी। कल मैं ये कह चुका था कि उपवास के दरमियान कम से कम 2 बार चर्चिल ने पूछा कि ये आदमी अभी तक मरा नहीं, ये प्रश्न उसने पूछा। आखिरी ऑर्डर जो उनको मुक्त करने का हुआ, वो उनके सर्जन ने ये कहा कि इनका स्वास्थ्य ऐसा है कि शायद जेल में मरेंगे, तो जेल में मरने से अच्छी सरकार बदनाम होगी, इसलिए छोड़ देना अच्छा। और जब उन्होंने ये कहा कि बाहर निकलने के बाद भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इस आश्वासन पर उनको छोड़ा गया कि अब बाहर निकलने के बाद ये आदमी कुछ नहीं करे। और चर्चिल का बड़ा अजीब वाक्य था कि अगर कुछ कर भी देंगे तो हमारी जेल तो तैयार है, दोबारा उनको पकड़ लेंगे, आप कहते ही हैं तो छोड़ सकते हो। इस प्रकार से अनुमति उसमें दी थी। लेकिन हिंसा अहिंसा इस चर्चा को छोड़ दे तो भी 42 के आंदोलन ने देश के कोने कोने में और देश की हर उम्र के व्यक्तियों में, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें एक ऐसा राष्ट्रीयता का भाव भर दिया कि जिसके कारण स्वराज की मांग ये किसी एक दल की मांग नहीं, लेकिन पूरे राष्ट्र की मांग हुई। और स्वराज की मांग ये कोटि कोटि लोगों की मांग हुई। आज अंतिम दिन है
इसलिए अंतिम दिन की धुन कुछ गंभीर होगी, लेकिन उस धुन को समाप्त होने के बाद 42 के आंदोलन का भाव व्यक्त करने वाला एक राष्ट्रगीत हम लोग तुरंत करेंगे। और फिर मैं कल से कई छुट्टी हुई कहानी का दूसरा हिस्सा पक्का